नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय डिमरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनर डिमरी चैनल। आज हम निकालेंगे बैंगन के बीज और बैंगन से बीज कैसे निकालना है, इसकी पूरी वीडियो मैं बना रहा हूं मैं, और इसको मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और जिनको बीज निकालना आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको आता है निकालना, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए जैसे ये बैंगन है, तो अगर आपको बीज निकालना है तो इसको इसी में पकने दीजिए। जैसे में पकने देंगे तो इस तरह का ये पीला हो जाएगा, चारों तरफ से ये पीला हो जाएगा। और ये भी हो रखा है, लेकिन ये मत लीजिए क्योंकि ये इतना सक्सेस नहीं हुआ बैगन। तो ये एक ठीक ठाक साइज का है। अगर आप जो छोटे हैं ऐसे इसका बीज लेंगे तो फिर इसके बीज से बैंगन भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप इसका लीजिए। आप ये ऐसे लीजिए आप, और इसको जो है आप चार हिस्सों में काट दीजिए। ये इसके बीज है, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके। इसमें ये कुछ यहाँ पे ख़राब भी हो रखे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी में हो जाएगा इसका वो। तो आप ऐसे पानी लीजिए और ये टब लीजिए आप, और इसमें जो है आप जो है ये कीजिए, ये आप ऐसे इसका डाल दीजिए, ये डालिए, और इसमें तो है ही नहीं। और फिर इसमें जो है पानी डाल दीजिए, जैसे पानी डालेंगे और इसको दबाइए अच्छे से, ऐसे करके दबाइए आप, इसको दबाइए आप। अब देखिए आप क्या हुआ, जो ये जो बेकार का ये था, ये जो बाहर आ गया है, ये हवा में पानी में तैर रहा है, इसको आप फेंक दीजिए, ये फेंक दीजिए। और ये जो है, ये जो अच्छे बीज हैं वो नीचे होंगे और जो बेकार बीज होंगे वो हवा में तैर रहे होंगे, ये 2 मिनट बाद मालूम चलेगा। ये पानी स्थिर हो गया है, और ये एक बीज है या 2 बीज है, ये बेकार के बीज हैं, इसको आपको हटा देना है। जो तैर रहे हैं समझ जाइए वो बेकार बीज हैं, और जो नहीं तैर रहे हैं, जो नीचे बीज हैं वो अच्छे बीज हैं। अब इसको हमें छानना है। इसको छानने के लिए एक छलनी ले लीजिए और इस छलनी में ये छान लीजिए। ये छलनी गिर गई अपनी, छलनी छोटी हो गई और टब बड़ा हो गया, और कैमरामैन भी ऐसा हो गया कि मेरे को थोड़ा हाथ उल्टा लेना पड़ रहा है। और ये हो गया है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा एक बार और छान लें हम, इसमें जो भी कचरा है वो हट जाए। अब ये जो है, ये इसको छान लिया है, अब इसको जो है आप धूप में रख दीजिए। अब ये जो धूप में रहेंगे तो ये जो मेरे हाथ से चिपक रहे चिपकेंगे नहीं, ये इसको जो है आप जो है इसको रख दीजिए। अगर अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो 4 घंटे की धूप भी बहुत है। अगर वैसे कोई और टाइम चला जाए जब धूप कम है, आसमान में बादल हैं, तो एक दिन पूरा धूप में रहने दीजिए, ये सारे खुल जाएंगे, सूख जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इसमें जो है फंगस लेने डर नहीं रहता है। और मैंने एक दिन पहले जो है बीज सुखा रखे थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, ये मैंने एक दिन पहले कर रखा था, ये पूरे सूख गए हैं, ऐसे हो जाएंगे। ये भी सूखेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। और इसको आप अभी अभी अगर आपको सीड जनरेट करना तो अभी भी कर सकते हैं। आपको इसको लंबे टाइम तक रखना है, 6 महीने तक, तो आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें फंगिसाइड लगा दें, नहीं तो फंगस आ जाएगा। किसी डार्क रूम में इसको रख सकते हैं, बोतल के अंदर या किसी पन्ने के अंदर, ऐसे आप पन्ने के अंदर रख सकते हैं। जब कभी लगाना हो इसे निकाल लीजिए, कभी भी आपको दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं व्यूअर्स को बार बार बोलता हूँ, कम से कम एग्रीकल्चर के मामले कम से कम आप दुकान में जाइए, इसको ऐसे लगा दीजिए, और इसको जो है ऐसे एयर टाइट है ये, इसको ऐसे कर दीजिए। इसमें जो है आप एक ये पर्ची लगा लीजिए, इसमें डेट लिखी हुई है 13 अप्रैल 2021, ये लगा लीजिए, और आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ बताएं कमेंट्स बॉक्स में। और आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज हमारा गुड़ी पड़वा है, उस सब के लिए आप सबको शुभकामनाएं, आपको धन्यवाद दोस्तों।